फ्रेंड्स, लंबी उम्र तक जीने वाले इंसान और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर जापान एक बार फिर चर्चा में है, जिसकी चर्चा की वजह है जापान सरकार द्वारा शराब को बढ़ावा दिया जाना। लेकिन आखिर जापान सरकार ऐसा क्यों कर रही है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल जापान के वर्तमान युवा अपने माता पिता और बुजुर्ग की तुलना में काफ़ी कम शराब पी रहे हैं, जिससे शराब से मिलने वाला टैक्स घट गया है, रेवेन्यू में कटौती हुई, तो जापान सरकार को अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी। इसीलिए जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी ने नवंबर में एक शाका विवा नाम की प्रतियोगिता आयोजित कराई थी, जिसमें जापान सरकार ने उस देश के युवाओं से शराब, बियर और कई ऐसे ड्रिंक्स को प्रमोट करने के लिए बिजनेस प्लान मांगा था। इसीलिए जापान सरकार शराब इंडस्ट्री को प्रमोट कराने के लिए पूरे देश में शराब, बियर को लेकर एक फेस्टिवल भी आयोजित करा रही है, ताकि शराब को बढ़ावा दिया जा सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।